डिस्टिंगशन लिया ग्रेड नाइन लिया माशाल्लाह 12 साल की हैं, माशाल्लाह जहरा हारिद माशाल्लाह इन्होंने मैथ्स में ग्रेड एट यानी ए स्टार्ट तो मैंने कहा यार ये भी स्कैम होगा पाकिस्तान में सब यानी कि ये ऐसे ही चलता है फ्रॉड ही है ये इन्होंने क्या पढ़ाना है? एक कामयाब खानदान की निशानी क्या है वो बच्चों को टाइम नहीं देती बिल्कुल

बहुत ज़्यादा गेम्स में इसका माइंड चला जाता है मैं सब माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये पैगाम दूँगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर जो फोकस और जो तरबियत और जो आप लोग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए वो और कोई नहीं कर सकता एक दिन भी एक बच्चा किसी बुरे बच्चे की सोच में बैठ जाए तो आपको अगले दिन नजर आता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो भी जो सोहबत का जो पार्ट है बच्चों का मिलना बच्चों आपस में कैसे अच्छे माहौल में मिले कैसे आपस को कंट्रोल करते रहते हैं हुकूमतों को बुरा भला कहते रहते हैं महंगाई का रोना रोते रहते हैं लेकिन जो चीज़ अल्लाह ने हमें अता फरमाई है वक्त उसकी हम कदर नहीं करते टीचर से सारे टीचर हैं और मैं इस चीज़ बहुत मुझे खुशी होती है कि टीचर अपने टाइम से भर के जो है वो बच्चों को पढ़ाते दें अल्लाह करे पाकिस्तान की भलाई और तरक्की का जरिया बन जाए बच्चे अपने वक्त की कदर करना शुरू कर दें इनशाला एक साल में पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा अलहमद ओ लेवल्स आई जी सी एस सी एड एक्सएल के रिज़ल्ट आ गए अलहमदिल्ला और माशाला बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहे तकरीब अभी तक जो डाटा हमारे पास आया अप्रॉक्सीमेटली थर्टी बच्चों ने डिस्टिंगशन यानि ग्रेड नाइन ग्रेड एट पे ए स्टार होता है और ग्रेड नाइन का मतलब होता है डिस्टिंगशन तो तकरीब ग्लोबली हमारे बच्चों ने जो ऑनलाइन स्कूल हैं या फिज़िकल स्कूल हैं इवन होम स्कूल बच्चे हैं तकरीब थर्टी बच्चों ने डिस्टिंगशन लिया तकरीबन 50 टू 60 बच्चों के ए स्टार्स हैं और तकरीबन 30 टू 40 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली ऐसे हैं जिनके एज हैं और एजेस क्या हैं इनके माशाल्लाह 9 साल 10 साल 11 साल 12 साल 13 साल 14 साल अच्छा मैं ना ये जो सेशन मेरा आज हो रहा है ये मैं ट्रेडिशनल स्कूलों की तरह जो रिजल्ट्स आते हैं तो स्कूल्स जो हैं वो अपने इश्हारत लगाते हैं एड्स लगाते हैं कि भाई देखो हमारे बच्चों ने हमारे ज़रिए से पढ़ कर क्या कुछ कर लिया तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है इस प्रॉडकास्ट का मैं यहाँ पर बैठा हूँ इस वक्त आज मेरे पास दो बच्चे हैं माशा लाहौर से आए हैं जिन्होंने एक बच्ची बारह साल की जिसने डिस्टिंगशन लिया ग्रेड नाइन मतलब कि ग्रेड एट ए स्टार बनता है और ग्रेड नाइन डिस्टिंगशन इन्होंने माशा मैथ्स के अंदर डिस्टिंगशन लिया ग्रेड नाइन लिया माशाल्लाह बारह साल की है माशाल्लाह जहरा और हारिद माशाल्लाह इन्होंने मैथ्स में ग्रेड यानी ए स्टार लिया तो मेरी जो आज का ये पोडकास्ट है और जो जो रिजल्ट्स माशाल्लाह बच्चों ने अचीव किए हैं जिन बच्चों ने डिस्टिंगशन लिए हैं और ए स्टार्स लिए हैं और ए ग्रेड लिए हैं और उनकी एजेस नौ दस ग्यारह बारह तेरह तो मैं उन बच्चों की से कुछ सीखना चाहता हूं और मैं उन बच्चों से कुछ सिखाना चाहता हूं आप लोगों को और ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो बच्चों ने हमारे स्कूल से ग्रेड लिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरा क्रेडिट है मैं कह रहा हूँ ये इनके माँ बाप का क्रेडिट है और मैं चाहता हूँ उन चैम्पियन फैमिलीज़ को बुलाना जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को टाइम दिया जिन्होंने इस बात को समझा कि हमारे बच्चे को अनफुसकम व अहली कम नारा अल्लाह ताला ने माँ बाप को ज़िम्मेदार ठहराया है कि अपने बच्चों पर मेहनत करना उनको अपने आप को और अपने बच्चों को जहनम की आंख से बचाना तो माशा मैं हमेशा कहता हूँ स्कूल जो है वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है और असल जो ज़मीन किसकी है वो माँ बाप की है आखिरत के लिए भी और दुनिया के लिए भी दुनिया के आखिर दुनिया का रिजल्ट्स भी और आखिरत के रिजल्ट्स भी माँ बाप को मिलना है तो जो माँ बाप अपनी इस जिम्मेदारी को पहचानते हैं और अपने बच्चों के साथ कोशिश करते हैं अल्लाह से मांगते हैं और ट्रेडिशन्स को तोड़ते हैं अल्लाह से मांग कर अक़ल और सोच समझ कर फ़ैसले करते हैं अपने बच्चों के मुस्कबिल के लिए तो माशा उन्हें क्या कामयाबी मिलती है क्या रिजल्ट मिलते हैं तो आज हमारे पास एक स्टोरी है आ, दो बच्चों की और कैसे उन माँ बाप ने क्या सोचा कैसे ज़िंदगी में उन्होंने फ़ैसले उठाए और उनकी मेहनत और उनकी कोशिश और स्कूल को एज़ अ टूल के तौर पे कंसीडर करते हुए अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी समझना एक बच्चा अगर स्कूल भी जाता है तो देखिए आप सो एटीन परसेंट टाइम बच्चा स्कूल में गुजारता है एट्टी टू परसेंट टाइम बच्चा माँ बाप के पास गुजारता है और माँ बाप क्या समझते हैं माँ बाप भी समझते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा कर हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं है क्या है माँ बाप जो ज़िम्मेदारी लेते हैं अपने बच्चों की उनके साथ लगते हैं कोशिश करते हैं तो वो क्या अचीव करते हैं तो माशाल्लाह आप, आप उन बच्चों से मिलेंगे आप देखेंगे कि इनके माँ बाप ने कैसे इनके साथ लगे और कोशिश की और क्या रिज़ल्ट इंसान अचीव कर सकता है माशाल्लाह ग्रेड नाइन डिस्टिंक्शन लेना कोई आसान काम नहीं है कोई आसान काम नहीं है एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी एक बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और कैसे इन बच्चों ने माशाल्लाह छः सात महीने पढ़ कर और मेहनत करके टाइम टेबल बना के घर का वो क्या माहौल था माँ बाप ने कैसे बच्चों को ट्रीट किया कैसे बच्चों को इंटरटेनमेंट बच्चों का घर में माहौल कैसे बनाया गया तो ये सब बातें इन आज हम डिस्कस करेंगे और माशाला ये हमारे पास ज़हरा माशा बैठी हुई है माशा इज़ ट्वेल्व ईयर्यर्यस ओल्ड और इनका माशाला, माशाला मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में डिस्टिंगशन लेना मतलब आप लोग मैथ्स तो एक ऐसी चीज़ है जब बच्चे को जब तक समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक बंदा कर ही नहीं सकता सोलह साल की उम्र में आमतौर तौर पर लोग बच्चे जो है वो मैथ्स के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और वो कितने साल पढ़ते हैं उसको पाँच पाँच साल पढ़ने के बाद भी डिस्टिंगशन लेना जो है वो शायद फाइव परसेंट बच्चों के डिस्टिंगशन आता है ए स्टार तो बच्चे ले लेते हैं लेकिन डिस्टिंगशन लेने का सोलह साल की उम्र में वो भी एक ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल है जो माशा ये छोटी सी बच्ची माशाला जहरा हैं और माशाला आप देखिए दीन के ऊपर चलने की माशा हाफिजा हैं सबसे सब बड़ा इनको इंट्रोडक्शन है माशा दोनों बच्चे माशा हाफ़ कुरान हैं और इनकी माँ ने इनके साथ मेहनत की इनके बाप ने इनके साथ माँ को सपोर्ट किया एक चैम्पियन फैमिली बनकर मेरी एक वीडियो आप जरूर देखिएगा चैम्पियन फैमिली कैसे माँ बाप साथ मिलते हैं तब कामयाबियाँ आती हैं मिल के काम करते हैं तो माशाला हाफिज़ कुरान और उसके बाद हिफ्स करने के बाद इन्होंने माशा कैसे अपने ओ लेवल्स को ऑलमोस्ट इनके लास्ट सब्जेक्ट रहिए केमिस्ट्री और इंग्लिश इनका रहिए इसके बाद इनका ऑलमोस्ट ओ लेवल्स इनका कंप्लीट हो जाएगा और दोनों बहन भाई माशाल्लाह कैसे आप कितने साल किए बेटा 12 12 11. 11 भाई भाई साथ साथ मतलब बारह साल की हैं और छोटा भाई जो है, वो साल के हैं दोनों ने एक साथ इम्तहान दिया और एक बच्ची ने नाइन लिया और एक बच्ची ने बच्चे ने एट लिया माशा तो क्या आप, आपने भाई को हेल्प की सपोर्ट की जी। पढ़ाया जी होल चले दोनों ने मिलके साथ चले माशाल्लाह जबरदस्त मैं यही कहता हूँ बच्चों का घर के अंदर ही जब तक रोल मॉडल नहीं बने बहन भाई एक दूसरे के साथ मिल के काम नहीं करें एक कामयाब खानदान की निशानी क्या है जब बहन भाई में एका होगा तो इना ख़ानदान में एका होगा तो माशा लाख ला और मैं बड़ा शुक्र गुजार उनके माँ बाप का माशाला दोनों यहाँ बैठे हुए कैमरे में नहीं आना चाहते और अपने बच्चों को भी कैमरे में लेकर नहीं आना चाहते एक अच्छे खानदान की निशानी है माशा बहुत अच्छी कि भाई मैं हम कैमरे के ग्लैमर में नहीं आना चाहते बच्चों को इस तरह हाईलाइट नहीं करना चाहते मैंने उनको बड़ा कन्विंस किया कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं हर शख्स अपनी उम्मीद छोड़ चुका है और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अपने बच्चों अपने ख़ानदान पर तोजो देना शुरू कर दें अपने बच्चों को वक्त की कदर सिखाना शुरू कर दें तो आप पाकिस्तान को तब्दील कर सकते हैं अगर हमें से हर शख्स ये फैसला कर ले कि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा तो हम पाकिस्तान को तब्दील कर सकते हैं और ये आज की जो कहानी है ये एक ऐसी ही कहानी है कि कैसे उन्होंने अपने वक्त की कदर की बच्चों ने और एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया कि वो हैरान कन रिकॉर्ड है कि बारह साल में डिस्टिंक्शन ले लेना ए स्टार लेने की कहानियाँ तो आपने सुनी होंगी लेकिन बारह साल में अभी तक डिस्टिंक्शन लेने की कहानी बहुत ही कम सुनी होगी कि बच्चे बच्चों ने डिस्टिंक्शन लिया तो माशा मैंने इनको कन्विंस किया और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं इनके माँ बाप का कि इन्होंने सिर्फ़ इसलिए कि उम्मत के अंदर एक उम्मीद कौम के अंदर एक उम्मीद की किरण दिखाना कि देखो सही आज भी हमारे हाथ में सब कुछ मौजूद है हम दूसरों को बुरा भला कहते रहते हैं हुकूमतों को बुरा भला कहते रहते हैं महंगाई का रोना होते रहते हैं लेकिन जो चीज़ अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई है वक्त उसकी हम क़दर नहीं करते और उस वक्त की क़दर जब अगर हम करने लगें तो माशाला जहरा और हारित जैसी कामयाबियाँ माशा मिलती रहेंगी और आगे मिलेंगी इन और अल्लाह ताला इनको न सिर्फ़ इनको कामयाबी आता फरमाए बल्कि दूसरे बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा करें माँ बाप के अंदर जज्बा पैदा करें जो महंगाई के इस दौर में फ़ीसों को अफ़ोर्ड करना और जिनको नज़र ये आता है कि किसी अच्छे और बड़े स्कूलों में हम जमा करा देंगे तो शायद को कामयाबी मिलेगी और रोना ये रोते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है यार ज़िंदगी तो उन लोगों की है जिनके पास पैसा है ग़रीब की ज़िंदगी क्या है तो ये कहानी है कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी ना हो और आप अकल से समझ सोच कर बच्चों के साथ वक्त लगाएं तो क्या अचीव कर सकते हैं माशा बिल्ला माशा जहरा आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोडक्शन देंगे आप माशाल्लाह क्या करना चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी में आपका क्या गोल है जी मेरा गोल ये है कि मैं इंशाल्लाह लाइफ में आर्मी बनना चाहती हूँ माशा आगे एआई में होना चाहती हूँ ए आई में ऐसी करना चाहती जो हमारे मुसलमान बहन भैया के लिए जो आप फायदा पहुँचे माशा तब तक आपको आपकी इस नीयत के अंदर अल्लाह तक आपकी पूरा अता फरमाया और आपको मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल बनाए उम्मत के लिए एक रोल मॉडल बनाए देखिए मतलब मेरा जो सपोर्ट कार्ड का मैसेज है वो ये क्या मैसेज है वो मैं पैगाम देना चाहता हूँ मैं इसमें से ना वो चीज़ें निकालना चाहता हूँ वो पैग़ाम देना चाहता हूँ और माँ बाप को माशाला देखिए इन्होंने क्या बात की एक बात की उन्होंने आलमा बनना अपने दीन के मकसद मेरे चैम्पियन फैमिली है ना चैम्पियन फैमिली के एक प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है बच्चों को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता हो मैं यहाँ कमाने नहीं आया मैं यहाँ पर बड़े अयाशी करने नहीं आया मेरी ज़िंदगी का मकसद लियबलुन नकुम अयुम अहसन आमला अल्लाह ताली मुझसे आखिर में पूछेंगे कि तुम्हें जो नहमतें दी तुम्हें जो ज़िंदगी दी उससे तुमने मुझे कैसे खुश किया तो माशा बच्चों को बचपन से अल्लाह ताली इनकी नीयत को तरबियत को अल्लाह ताली क़ायम रखे इनको शर से बचाए नज़र से बचाए माशा अल्लाक अला बिल्ला इनको ज़िंदगी दे सेहत दे तंदुरुस्ती दे नज़र बद से बचाए तो कैसे बच्चों को बचपन से तरबियत देना बचपन से माशा अपना विजन शेयर करनी है कि मैं आलिमा बनना चाहती हूँ माशा क्यों आलिमा बनना चाहती हूँ क्योंकि ज़िंदगी का मकसद पता है ये ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि मैं ओ लवज़ करूँ लेवल्स करूँ पैसे कमाऊ माल कमाओ बड़ी गाड़ी जलूँ घर बड़ा घर लूँ ये मकसद नहीं है अल्लाह को राज़ी करना मेरी ज़िंदगी का मकसद है और फिर इस ज़िंदगी में कैसे गुजारना है सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो जाऊँ मैं आलिमा भी बनूँ मैं दीन के अंदर भी चमकूँ और मैं दुनिया के अंदर ए आई के ज़रिए से माशा मा, माँ बाप ने बच्चों को एक विजन दिया मैं कहता हूँ एक अच्छा ख़ानदान बचपन से बच्चों को एक विज़न देता है एक बचपन से एक विज़न है अब बड़े होकर इनकी मर्ज़ी जो भी अख्तियार करेंगे जो अपना फील्ड को अख्तियार करेंगे लेकिन एक जब छोटा पौधा होता है पौधा छोटा पौधा उस छोटे पौधे में फ्लैक्सीबिलिटी होती है उसको आप यू टेढ़ा करें तो यूँ टेढ़ा हो जाएगा इस तरफ करें तो इस तरफ हो जाएगा उस वक्त जब बच्चों में ये फ़्लैक्सीबिलिटी है उन पर काम करके उनको ज़िंदगी का विजन दिया जाए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो दरख्त बन जाते हैं और माँ बाप शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं क्यों नहीं सुनते क्योंकि जब वो छोटे थे तो उन पर काम नहीं किया अब वो दरख्त बन गए हैं तो अब उन दरख्त पर टकरे मार रहे हैं वो दरख्त हिलता नहीं है क्यों जब हिलने का टाइम था उसको हिले नहीं तो माशा लाख ला जहरा माशा ए आई में काम करना चाहती हैं लेटेस्ट मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करके बच्चों को विजन देना कि दुनिया कहाँ जा रही है और उस पर क्या काम करना है और हमारा रोल क्या है और उसका रोल पैसा कमाना नहीं है पैसा तो खुद ब खुद आता है जब इंसान सोसाइटी घोरा है गोरे की मैं किताब पढ़ा था तो वो कह रहा था कि यार तुम सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो जाओ सुबह अल्लाह मुसल उम्मत के लिए मुस... मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो जाओ दुनिया ख़ुद ब खुद तुम्हारे कदमों पर आ जाएगी लेकिन अगर तुम दुनिया कमाने के चक्कर में कहो मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि बच्चा है कहे अच्छा मुझे पैसा कमाना है मेरे मुझे क्या चाहिए मुझे, मुझे मर्सडीज़ चाहिए मेरा घर बाईस साल के अंदर में मेरा बहुत बड़ा सारा घर हो और मैं एक महल में रहता हूँ और मेरे पास इतने मिलियन डॉलर्स हों तो जो ये सोचेगा ना दुनिया उससे भागेगी दुनिया उससे भागेगी तुम दुनिया के पीछे जितना भागोगे दुनिया तुमसे दूर भागेगी तुम दुनिया को जितना छोड़कर और क्या करोगे इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो जाओगे सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो जाओगे दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी तो माशा लाख अल्लाह ताली को तोफ़ी रद फरमाए आप हारि अपने इंट्रोडक्शन कराइए अलहमद मैंने अब ए ओ लेवल ए लेवल ए के बाद मैंने आलिम बनना चाहता हूँ मैं माशा और मैं आईमीन रोग चाहता हूँ कि मुसलमान बहन भाई की हेल्प करूँ गिनको तकलीफ पहुँची जाए माशा जबरदस्त को ख़त्म करूँ मैं जुल्म को ख़त्म करूँ जुल्म को रोका जाए और नेकी को बढ़ाया जाए माशात अल्लाह ते हमारे सामने एक कहानी है माशाल्लाह दो बच्चों की माशाल्लाह से और मैं इनके माँ बाप से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कैमरे पैं उन्होंने मना कि नहीं मैं कैमरे पैने आना चाहता माशाल्लाह बच्चों को उन्होंने इजाजत दे दी इस उन्नीत के ऊपर कि अल्लाह ताला दूसरे बच्चों के दिलों में एक असर डाले और वो बच्चे सीखें इनसे जब तो माशाल्लाह आसिफ साहब और उनकी मिसेस माशाल्लाह सामने बैठी हुई हैं और माशाल्लाह दीन पर चलने की कोशिश करते हैं माशाल्लाह बच्चों की आपने तरबियत देखी है अलहमदिल्ला ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं कि दीन पर चलें और अवॉइड किया उन्होंने कैमरे में आने के लिए तो हमने इनका कैमरा बंद कर दिया है और माशाल्लाह हमारे इंट्रोडक्शन इनसे कंटिन्यू हुआ इंटरव्यू हमारा चलते रहेगा आसिफ सा थोड़ा सा अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे जी अस्सलाम वालेकुम मैं आसिफ जहरा और हारिस का मैं फादर हूँ बस इतना ही है कि बच्चे ओ लेवल की है बच्चों ने जो डिस्ट्रिक्शन लिया जहरा ने और जो हारिस ने लिया तो बड़ी ख़ुशी है इनकी वालदा की मेहनत है और बिलीव था मेरा इनकी वालदा के ऊपर कि ये करवाएंगी

तो मैं सेटिस्फाई नहीं थी मैं चाह रही थी कि बच्चों को कुछ ऐसा जो है वो इन्वॉलमेंट मिले कि जिसमें बच्चे दीनी और दुनियावी दोनों जो है वो तरबियत ले सके। ठीक फिर क्या हुआ तो मैंने बच्चों को जो है वो आ, घर में ही हिफ्स कराना स्टार्ट कर दिया था कोरोना के दौरान जो है ठीक है तो आ, उसी दौरान जो है वो मैंने आप खुद हाफजा हैं नहीं अब हाफजा नहीं नहीं ठीक है Uh, मैंने काफ़ी टीचर्स के साथ जो है वो uh, कोशिश की कि, कि काफ़ी टीचर्स के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया लेकिन कोई भी मुझे इस तरह नहीं लगा कुछ एक तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो टीचर जो है वो फ़िक्स प्राइस कर देते हैं टेन टू ट्वेंटी थाउजेंड हमें चाहिए तो बच्चों को हम पढ़ाएंगे अदरवाइज़ वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि कुरान एक ऐसी चीज़ है जिसका हदिया होता है फ़िक्स प्राइस नहीं होती जिसकी वजह से जो है हम फाइनेंशली इतने स्ट्रॉग नहीं थे और टीचर भी टीचर को पे करने के बावजूद टीचर जो है वो बच्चों को उस तरह गाइड नहीं कर रहे थे उसी दौरान जो है वो मैंने आपका ओ लेवल का आई थिंक उसी दौरान आपका स्टार्ट हुआ था अभी फेसबुक के थ्रू मैंने देखा मैंने उसको पिन कर लिया था कि इन शाला जैसे ही बच्चे उस कंप्लीट करते हैं तो फिर मैं जो हूँ बच्चों को यहाँ हैंड ऑन कराऊँगी सबसे जो अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसमें आपने मेंशन किया हुआ था कि आपने जो है वो अपने बच्चों को खुद पढ़ाया है तो मैं ये समझती हूँ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाते हैं तो वो बच्चे जो है वो कभी भी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसी पावर देते हैं बच्चों को जो टीचर्स नहीं दे सकते बेशक टीचर्स के पास होती है लेकिन पेरेंट्स का इनमेंट बहुत ज़रूरी होती है बच्चों के साथ सही। फिर माशाल्लाह इन्होंने वन एंड हाफ ईयर में कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैंने फिर कन्वर्ट किया मैंने कॉन्टेक्ट किया आपसे आपके जो इंस्टीट्यूट में ओ लेवल डॉट कॉम में तो

तो ये भी एक बहुत इंसान को सोचना पड़ता है जब भी कोई ऐसा कोई चीज़ नई चीज़ आए तो इंसान को सोच समझ के देखना पड़ता है कि यार क्या है क्या नहीं है अक़ल से फैसला करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन जो था कोरोना के अंदर कोरोना से पहले भी ऑनलाइन एक दो हमने और, किया था यह जिस तरह बच्चों के लिए कारी या बच्चों के लिए जो टीचर हायर करना तो वो सब स्कैम हो गया था आपके स्कैम हाँ जी स्कैम हुआ था वो हमें बताते थे कि टीचर कारी बहुत अच्छे हैं और ये वो लेकिन वो उस तरह होते नहीं थे सही और तो फिर ये इन्होंने मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि इस तरह ये ओ लेवल्स है डॉट कॉम ये मैंने देखा ऑनलाइन है ये तो इस पर हम बच्चों को इन शाला हिफ़ के बाद एनरोल करवाएंगे तो मैंने कहा यार ये भी स्कैम होगा पाकिस्तान में सब यानी कि ये ऐसे ही चलता है फ्रॉड ही है ये इन्होंने क्या पढ़ाना है तो उसके बाद लेकिन फिर बच्चों को जब हिफ़ किया तो वाइफ मेरी ओ लेवल्स के ऊपर काफ़ी सर्च करती रही

तो वो भी आपके बहुत शुक्रिया जजाकला आपने ये सारा व्यस्त थे कोई उन्होंने एनरोल कर दिया था बच्चों को ना वो भी डर डर के किया कि पता नहीं आगे बच्चों का क्या बनता है कुछ यानी कि नजर नहीं आ रहा था रास्ता उसके बाद जो जर्नी थी बच्चों की आप लोगों के साथ ये पूरा एक साल पिछला माशाल्लाह लास्ट ईयर तकरीबन डेढ़ साल हो गया अब दो साल होने लगे डेढ़ साल हो गया तो उसमें तो बहुत अच्छा रहा बच्चों के साथ ना माशाल्लाह अच्छा इन्होंने हमारा जो है ना हो, हो, होम स्कूल प्रोग्राम को ज्वाइन किया तो माशाल्लाह कहता हूँ कि देखिए फाइनेंशियली अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहें और माशाल्लाह अगर आप अपने आप को तो होता है ना कि जो इंसान ना नीयत सच्ची हो बच्चों पर बच्चों के लिए एक विजन हो दुनिया का विज़न नहीं दीन का विजन बल्कि दुनिया का विज़न तो बहुत छोटा सा है असल तो विजन है बच्चों को अपनी बहसे माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करना कोनफम आहरी नारा जब इंसान इस विजन के ऊपर सच्चा हो और कोशिश करे और अपने अपने अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक स्ट्रांग हो तो बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल स्टेप्स इंसान के लिए आसान हो जाते हैं तो कोई आसान स्टेप्स नहीं है घर में फैसला करना तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपके जो घर वालों को पता चला गया था मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल भी इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे थे कह रहे थे कि आप बच्चों बीमार हो जाएंगे मेंटली सिक हो जाएंगे अब घर में उनको कंटिन्यूसली कोरोना से भी कोरोना जब से स्टार्ट हो तब से घर में अब आप उनको क्यों नहीं स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं तो मैंने इनसे ये कहा था अपने पेरेंट्स को कि मेरा डिसीजन है तो मुझे पता है कि मैंने इनको कैसे लेके चलना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को नहीं देख रहे थे कि आगे स्कूल में बच्चों की कैसी उनको तबीयत दी जा रही है तो और कैसी स्टडी चल रही है सबसे पहली बात ये कि टीचर लॉयल नहीं है और मेन बात जो मैंने इधर ओ लेवल में जो सही बात है बेशक एक्सपेंसिव है सारा कुछ है टीचर माशाल्लाह से सारे टीचर लॉयल हैं और मैं इस चीज़ की बहुत मुझे खुशी होती है कि टीचर अपने टाइम से भर के जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं वो टाइम को नहीं बिल्कुल भी केयर करते कि ये इतना टाइम हो गया एक्स्ट्रा टाइम दे रहे होते हैं जिसकी वजह से जो है वो बच्चों की मैं कहती हूँ हंड्रेड परसेंट कामयाबी है बिल्कुल तो मशाला इन्होंने माशा बहुत थैंक यू इन्होंने हमें कुछ क्रेडिट दिया लेकिन मैं तो कहता हूँ कि क्रेडिट सारा माँ बाप का ही है मैं देखिए बच्चे बच्चे बच्चों को एक अच्छा विजन देना ज़िंदगी का मकसद देना जब जिंदगी का मकसद और डायरेक्शन ठीक हो जाए तो डायरेक्शन जब उस ठीक हो जाए तो हर मेहनत इन डायरेक्शन पे पर चलेगी टीचर और, और पेरेंट्स अगर, दोनों कंट्रीब्यूशन अगर जो है बच्चों की जो आइडियोलॉजी है जो आइडियलॉजी आइडियोलॉजी क्या वो बिलीफ है बिलीफ ना वो वो टीचर नहीं दे पाता वो, वो तो घर से मिलता है बच्चों को मेरी जिंदगी का मकसद बच्चे को बचपन से उस पर ट्रेन करना मैंने जाना कहाँ है मैंने करना क्या है ये जिंदगी मुझे मिली क्यों है और मेरा मकसद क्या है जितनी अच्छी क्लैरिटी माँ बाप को ये माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं तो उन बच्चों के ऊपर क्या होता है फिर हम हम जैसे लोग आकर क्या करते हैं उसका जो है ना वो सक्सेस केक काटते हैं ना केक फ़ीता काटना होता फीता मतलब काम सब कुछ किया हुआ है और हमने किया कि हमने फ़ीता काटा तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमने तो सिर्फ इनका आ, फीता काटा है उस सक्सेस का एक माशाल्लाह से लेकिन असल जो माशाल्लाह आप लोगों ने जो मेहनत की इनको बच्चों को जो घर में आइडियोलॉजी दी अल्लाह ताला आगे भी इनकी इस आइडियोलॉजी को आपके मेंटेन करें आपके जो गोल है अहदाफ़ इनको पूरा बात को कंटिन्यू करूँगा मैं सब माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये पैगाम दूंगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर जो फोकस और जो तरबियत और जो आप लोग कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए वो और कोई नहीं कर सकता अगर आपका घर में कंट्रीब्यूशन आपके बच्चों के साथ बहुत अच्छा है और आप उनकी टेक केयर करते हो तो टीचर के लिए बहुत आसानी और टीचर भी आपसे बहुत वो रिलैक्स होगा वो आपके बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा घर से रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए मेरे बच्चों की अलहमदिल्ला ये जो अभी कामयाबी हुई है इसमें सारा जो क्रेडिट है ये इनकी वालदा का यानी मेरी वाइफ का और इनके टीचर्स का दोनों का है मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होता कि स्कूल में बच्चों को डाला और शाम टाइम यानी कि इवनिंग में आप एकेडमी जा रहे हैं और भैया यहाँ कोई ट्यूशन सेंटर है तो बच्चे जी पढ़ जाएंगे अब इस तरह कभी भी नहीं होगा कोई बहुत ही लायक बच्चा होगा जो सेल्फ मेड अपने बिहाव पे पड़ जाएगा लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी भी इस तरह नहीं करेंगे जी कैरी ऑन कीजिए प्लीज आ, मैं ये कहना चाहूँगी हर मदर को कि वो हर मदर चाहती है कि उनको फ्रीडम मिलेगा ऐसी बात है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है लेकिन अगर हमें जो बढ़ापे में जो हमने बोया होगा वही हम काटेंगे अच्छे पेरेंट्स यही कहते हैं कि बच्चे जो है वो हमारे हमें पूछते नहीं है मैं ये बात कहूँगी कि अगर आप बच्चों को हंड्रेड परसेंट टाइम दें तो बच्चे क्यों नहीं आपको बढ़ापे में क्यों नहीं वक्त देंगे बच्चे आपको देखेंगे आपकी हर एक चीज़ को जो है उसको अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे आपको ख्याल रखेंगे आपका मैंने देखा है पेरेंट्स स्पेशली मदर्स जो हैं वो बच्चों को टाइम नहीं देती बिल्कुल भी और उनको होता है कि बस मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन जा रहे हैं आ रहे हैं नई बुक चेक करती मैंने बहुत मदर्स को देखा है इसे और मैं उनको यही कहती हूँ कि आप जब तक सेक्रीफाइस नहीं करेंगी तब तक घर नहीं चलेगा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं है बिल्कुल कि मैंने बिल्कुल सिर्फ अपने बच्चों को ही पढ़ाया है मैं अपना भी मेरा पैशन है मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैंने ऑनलाइन भी वर्क स्टार्ट किया हुआ है ऐसी करती हूँ और एनिमेशन बहुत कुछ मैं स्टार्ट वो साथ साथ वो भी लेकर चलती हूँ अपना काम डिफिकल्टीज होती हैं बहुत ज्यादा लाइफ में लेकिन कामयाबी इसी तरह मिलती है फिर मेहनत करने से ही कामयाबी मिलती है माशा बहुत जबरदस्त और इसमें जो एक बहुत बड़ा एक मैसेज है वो ये है कि ना बच्चों को एक होता है कि ना वो कहते हैं ना हेलीकॉप्टर व्यू एक हेलीकॉप्टर व्यू एक टर्म है बिजनेस में इस्तेमाल होती है कि हेलीकॉप्टर में कमाल क्या होता है वो किसी भी बहुत ग्राउंड पर उतर जाता है सिर्फ ऊपर से नहीं देख रहा होता बल्कि वो ऊपर से देखता है जहाँ प्रॉब्लम आती है तो फ़ौरन क्या करता है वो ग्राउंड पे लैंड हो जाते हैं और ग्राउंड पे उतर कर ना बिल्कुल लेवल पे उतर कर बच्चे के तो इसमें आपने बताया कि माशाल्लाह कि सिर्फ ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बच्चों से पूछ लिया बल्कि ग्राउंड की रियलिटीज़ के ऊपर ना बच्चों की नज़र रखना तो बच्चों की और बच्चों को इस तरह कॉन्फिडेंस भी देना एट द दे सेम टाइम कि उनके ऊपर जो उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए उनको कॉन्फिडेंस लगे मिले और अपनी नज़र जो है वो बहुत गहरी नज़र रखना तो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना तो कि कैसे आप बच्चे पे ट्रस्ट भी करते हैं और एट द सेम टाइम सिस्टम को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड भी करते हैं तो दोनों चीज़ों को लेके चलना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है तो अच्छा आप कि बच्चों को आजकल जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो है स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है कि यार बच्चे जो है वो माँ बाप ने बिल्कुल आजिज आ चुके हैं अब इसी तरह एक मैं कहता हूँ एक बच्चे की डेवलपमेंट में दो या तीन चीज़ें बड़ी रोल प्ले करती हैं एक तो उसका स्क्रीन के ऊपर कंट्रोल नंबर टू उसका सोहबत कि वो किस सुहबत में टाइम गुजार रहा है और नंबर तीन जो है माँ बाप की उनके साथ कितनी इन्वॉलमेंट है ये तीन पैरामीटर्स बड़े नज़र आते हैं वाजे के ये बड़े सक्सेसफुल खानदानों में ये बात बड़ी कॉमन नज़र आती है तो आप ये बताएंगे मुझे स्क्रीन टाइम का क्या इनका स्ट्रक्चर है किस तरह स्क्रीन टाइम को आप मैनेज करती हैं क्या है मैं एक बात कर रही थी कि बच्चों को जो है मैंने उनके माइंड में ये चीज़ फिक्स कर दी हुई है और बेशक वो डाइवर्ट होते हैं समटाइम्स उनको होता है कि हम स्क्रीन देखें जिस तरह के सब बच्चे गा रहे होते हैं उनको भी होता है कि वो बच्चे गा रहे हैं लेकिन अलमदुल्ला इनको बार बार समझाने के बाद ये इस लेवल पर आगे हुए हैं कि ये इस चीज़ को समझते हैं कि जो ये स्क्रीन जो है ये इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती है देखिए वर्ड मैं आपकी वर्ड कूँगा बार बार समझाने से लेकिन लोग हम क्या समझते हैं माँ बाप को एक दफ़ा समझाते समझ आ जाएगी नहीं ऐसे नहीं है अल्लाह ताला हमें पांच दफ़ा दिन में रिमाइंड कराते हैं आसान के ऊपर देखो अल्लाह को याद करो अल्लाह को याद करो इंसान को अल्लाह ने भूलने वाला बनाया है हमसे गलती क्या होती है हम बच्चों को बार 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 ये हमें ये, जब अल्लाह हमसे ऐसे कर रहे हैं तो हमें अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा बिल्कुल देखिए जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो स्टेज के, के हैं कि हम मंथली जो है इनका अच्छा रिजल्ट होता है घर में तो फिर जो है अपनी मर्जी से कार्टून देखते हैं और पी सी गेम्स खेलता है बेटा मेरा बहुत शौक है उसको वो बिल्कुल एक हारित को संभालना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है इस बच्चे को क्योंकि ये

हर चीज़ कहना है सक्सेस के साथ बल्कि जब आपने काम मेहनत करोगे तो इंटरटेनमेंट होगी अच्छा मेहनत अब बच्चों की जिंदगी आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि माँ बाप ने बच्चों के विजन क्लियर नहीं किया तो बच्चों की जिंदगी का मकसद ही यटंटरटेनमेंट है तो आप जितनी इंटरटेमेंट उनको देंगे उतनी कम होगी तो आप उसको जो है सक्सेस के साथ क्योंकि भाई मेहनत होगी तो फ्रेश होने के लिए फिर आपको कुछ फ्रेश होने के लिए कुछ इजाजत दी जाएगी लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं मेहनत ही नहीं करेगा तो उसको फिर सक्सेस इसको फ्रेश होने की क्या जरूरत है तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि बच्चों की परफॉर्मेंस से सिस्टम को लिंक कर देना और उस सिस्टम को इस तरह काम होगा तो रिजल्ट कुछ आपको इंटरटेनमेंट मिलेगी फ्रेश होने के लिए माशा ज़बरदस्त अच्छा सोहबत तो तो को कैसर करती है कंट्रोल बच्चों के कंट्रोल बच्चों को माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चे किस किस बैठ रहे हैं है। मतलब कि इतनी ज़बरदस्त डी मतलब कि आप एक बच्चे को किसी एक दिन भी एक बच्चा किसी बुरे बच्चे की सोहबत में बैठ जाए तो आपको अगले दिन नज़र आता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया तो बीच जो सोहबत का जो पार्ट है बच्चों का मिलना बच्चे आपस में कैसे अच्छे माहौल में मिलें कैसे आप इसको कंट्रोल करती हैं Uh, इनकी जस्ट गैदरिंग फैमिली गैदरिंग होती है फैमिली में भी जो सारे बच्चे हैं वो उनका हर किसी का अपना एंड क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो नाइन्टी परसेंट स्कूल ही जाते हैं और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा लर्न किया होता है कि वो मेरे बच्चों को नहीं पता होता इस का ठीक है तो मैंने इनको एक बात समझा दी हुई है कि आपने कभी भी आपने किसी को देख के उससे वो नहीं गलत चीज़ सीख नहीं सीखनी बल्कि आपने उसको बताना है उसका कि इस तरह नहीं करते इस तरह इस्लाम में गलत है आप ये इस तरह बात ना करें और ये इम्प्लीमेंट करते हैं और कभी कभार काफ़ी इनका आपस में इस बात पर झगड़ा भी हो जाता है गैदरिंग जब हुई होती है ये उनको समझाने बैठ जाते हैं कि आपने गलत किया आपने इस तरह टाइम लगता है हर चीज़ को ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये गैदरिंग कितनी फ्रीकुन क्या होती है आपकी जो जहाँ पर आपके घर से निकल के बच्चों को फिर आप ये बच्चे मिलते हैं कितने अरसे में वीकली कर लें या आप टू वीक्स बाद जब टाइम लगता है थ्री फोर आवर्स के लिए थ्री फोर आवर्स ये भी एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंसान जो है ना अपने माहौल जो क्रिएट करता है ना अब हर घर का एक माहौल है बहन भाइयों में बहन का घर का माहौल अलग है भाई के घर का माहौल अलग है अपने घर का माहौल अलग है जब ये गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है ना किसी के एक घर का भी बच्चे पर रंग नहीं चढ़ता बल्कि अगर आपको अपने बच्चों को ऊपर अपने अपना एक रंग देना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको क्वारंटाइन करना पड़ता है इस क्वारंटाइन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माँ बाप से मिलने जा, जाते हैं बड़े कंट्रोल्ड तरीके से मुलाकात करते जाते हैं और बच्चों को ख़दत उनकी माँ बाप दादा दादी की नाना नानी की खिदमत की तरफ ज़्यादा लगाया जाता है उनसे सीखने सिखाने का प्रोसेस होता है कि हम उनसे नसीहत कर, करो उन नसीहत लो उनकी खिदमत करो इन के खेल तमाशे के लिए बच्चे जा रहे हैं तो वो अपने नाना नानी और दादा दादी से सीखने जाते हैं ऐसे बच्चे जो कि और वहाँ से अच्छी जो टाइम वो गुजारते हैं अपने ननियाल में ददयाल में वो एक बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है और अपने बड़ों से सीखने का टाइम होता है तो माशा उसको उस टाइम को भी एक लिमिटेड मैंने बहुत अक्सर लोगों को देखा है कि वीकेंड्स के ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं रातों को उठ रहे हैं और आपकी स्लीप टाइम क्या है ये भी बहुत बड़ा पैरामीटर है सक्सेस आप लोगों तक ये इनका जो है जो है, अगर कोई स्पेशल uh, कोई, कोई न हो तो फिर हम uh, जो है थोड़ा सा बच्चों का लेट हो जाता हाँ है ये करते हैं। उसके बाद हाफ डे टारम्पलीट करते हैं जो उन्होंने okay, है। ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है और कामयाब फैमिली जो है वो अपने वीकेंड्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है और अपने वीकेंड्स के अंदर जो है बच्चों को सही तरह गाइड करना तो माशाल्लाह आ, बहुत शुक्रिया इसमें आपका वही बात आ जाती है ना कि वक्त की कदर वक्त की कदर हम लोग बच्चों के वक्त को ज़ाया नहीं करते कोशिश ये होती है आगे अल्लाह अल्लाह ताला मदद करते हैं कि जो वीकेंड्स होते हैं संडे जिस तरह सैटरडे संडे संडे वाले दिन भी ये सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ही उठना होता है कोई लेट नाइट नहीं सोना और कोई यानी कि ये संडे को रिलैक्स नहीं होना होता हम अर्ली मॉर्निंग ही उठते हैं अपना कोई ब्रेकफास्ट वगैरह करके ये अपने बच्चा फिर ये बच्चे आ, कभी दादी की तरफ कभी नानी की तरफ तो किसी संडे नानी की तरफ किसी दा, दा, की तरफ दादी की तरफ तो वहाँ करके हाफ डे इवनिंग तक शाम को चार पांच इन्होंने घर में होना है और अपना रात को नौ दस बजे तक इन्होंने अपना जो होमवर्क जो भी टारगेट जो होता है इनका वो इन्होंने कंप्लीट करके इशा पढ़कर सो जाना होता है माशा ये बच्चों के ऊपर फोकस और बच्चों को आ, करना ये मुश्किल बहुत होता है बिल्कुल सही है लेकिन उसका इनशाला जो रिवॉर्ड है फिर वो आज आपके सामने है हम लोग आपके पास बैठे हैं माशा हालांकि खानदान में और फैमिली में बहुत बातें सुनने को मिलती हैं कि बच्चों को बाहर निकालो बच्चों को घर में क्यों रखा हुआ है बच्चों को आप लोग बिल्कुल इस तरह स्ट्रिक्ट मत करो लेकिन वो आपकी वाली बात कि जब पौधा छोटा होता है उसको आप लेफ्ट राइट कहीं पर भी कर सकते हैं अभी इनको हम लोग लेफ्ट राइट कर सकते हैं थोड़े से बड़े हो गए फिर उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए फिर लेफ्ट राइट नहीं हो गई बिल्कुल सही अभी जहां पर इनको लेकर जाना है हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं आगे अल्लाह तला कामयाब करे आमीन के वैसे हो जाए बाकी फिर इनको छोड़ दिया जाएगा बिल्कुल सही माशा जबरदस्त लाख मैं अगेन दोबारा कहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे इस बात से कि मैं इस किस्म के कंटेंट से अपने स्कूल को जिस तरह ट्रेडिशनली करते हैं मार्केटिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे कि मैं उस ट्रैप में जाऊँ मैं इस, मेरा जो मेरा जो ये ज़िंदगी मेरा जो गोल है ओ डॉट कॉम का वो मेरा एक मिशन है चैम्पियन फैमिलीज़ बनाने का उम्मीद की एक किरण पैदा करने के लिए मैं अपने अंदर कोई उम्मीद की किरण नहीं देखता मैं पाकिस्तान के लिए देखूँ पाकिस्तान के हालात देखूँ लेकिन माशाल्लाह मैं बच्चों से कहता हूँ अपने वक्त की कदर करो और जैसे बच्चे माशाल्लाह मिलते हैं तो मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन इस खानदान को अला कामयाबी अता फ़रमाए और ये बच्चे रोल मॉडल बने यही क्षमा से क्षमा जलती रहे ये रोल मॉडल एक दूसरे के लिए रोल मॉडल बनते रहे अल्लाह करे इस पॉडकास्ट को देखकर कुछ बच्चों के दिल में जज्बा आए जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते माशा देखिए मैं मैंने मैंने इनको कन्विंस किया जब ये आए पॉडकास्ट के लिए तो मैंने इनको कन्विंस किया मैंने कहा देखिए जब अगर मैं अपनी स्टोरी नेट के ऊपर लेकर नहीं आता ओ लेवल डॉट कॉम पर नहीं आता तो शायद आपके बच्चे आज यहाँ ना बैठे होते तो देखिए हिम्मत करके आपने अपने आप को पेश करना है और मैं इन कोशिश करूँगा कि तमाम वो पेरेंट्स जिनके बच्चों के डिस्टिंगशन आए हैं हम उनसे कुछ सीखें और जज्बा ख़ैर को फैलाने का ज़रिया बने अच्छी बात को फैलाने का ज़रिया बने कि देखो यार ये काम है मेहनत है देखो ये रिजल्ट मिलता है जितना आपको ये कॉन्फिडेंस मिलेगा इन माँ बाप अपने बच्चों पर तोज् देना शुरू करेंगे एक सरसब्ज व शादाब ज़मीन अल्लाह ने मत हम फ़रमाइए हमारे बच्चों की शक्ल में अगर हम उसको खाली छोड़ देंगे तो उसमें झाड़ियाँ और कांटेदार दरत निकलेंगे जो न सिर्फ आपको परेशान करेंगे बल्कि सोसाइटी को गुजरने वाले को तकलीफ़ पहुँचाएंगे अल्लाह ने हमें ये सरसब ज़मीन शादाब ज़मीन दी है और अल्लाह ने हमें हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है कि हम क्या करें इस ज़मीन के अंदर अच्छे बीज बोएँ ताकि ये सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो आपकी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो, हो दुनिया के अंदर इस सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो जाए और लोग इनसे फल तोड़ के खाएँ लोगों को फ़ायदे पहुँचाने वाले बन जाए तो ये ज़मीन है जो मेहनत करेगा इन शाल जर फ़रमाएंगे इन और मैं इन जो और पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं दरख्वास करूँगा कि जिस तरह माशा इन्होंने अपनी जो अपने तमाम रिज़र्वेशन के बावजूद माशा इन्होंने हिम्मत की और आए और लाहौर से तशरीफ़ लाए माशा और इन्होंने सिर्फ इस नी इस नीयत से कि अल्लाह करे कि खैर को फैलाने का ज़रिया बन जाएँ अल्लाह करे पाकिस्तान की भलाई और तरक्की का ज़रिया बन जाएँ बच्चे अपने वक्त की कदर करना शुरू कर दें इनशाला एक साल में पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा एक साल के अंदर मैं बच्चों से कहता हूँ तीन महीने की मेहनत से डिस्टिंक्शन लेकर आओ पूरा पाकिस्तान तमाम बच्चे अगर ओ लेवल में डिस्टिंक्शन लेकर आ जाएँ तो कितना ज़बरदस्त आप तरक्की करा सकते हैं कितना ज़बरदस्त आप चेंज लेकर आ सकते हैं ख़ुद हमारे चेंज हमारे हाथ में है हम हुक्मरानों को ऊपर देखना छोड़ दें और अब सिर्फ यही वक्त रह गया है कि हम अपनी गरेबानों में छाकर जो कुछ हम कर सकते हैं उसको करें और आप देखें कैसे कैसे नहीं भाषा पाकिस्तान इंशाल्लाह एक बेहतरीन और तरक्की का जरिया बनेगा इन शी जजाकल्लु खैर और जज़ा